अपना बता दिया। मैं दीपांशु साहू हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। मैं सोनू बारसी। हमको 5 बजे कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा मालूम चला कि 2 लड़के जो आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं, महिलाओं पे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कुछ वॉलंटियर्स ने जब हमें यहाँ बताया तो हमने उनको बोला कि आप उनको पकड़ के यहाँ पे, जो हमारा लीगल हेल्प डेस्क है आपके ऊपर देख रहे हैं, आप यहाँ पे ले आइए, हम उनसे बात करते हैं। तो उनको शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग यहाँ पे ले आए। वो भी थोड़ा घबराए हुए थे, हमने उनको पानी पिलाया, चाय पिलाया। उसके बाद में उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो बंदा कुछ फंडिंग से रिलेटेड बात करता है कि हमारे पास कुछ फंड आया है। व्हाट्सअप पे भी उसकी डिटेल्स है, हमारे पास कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं। ये जो पहला बंदा है जिसका नाम है मनीष चौधरी का जो फेसबुक अकाउंट है वो खोला गया, तो उसमें यह बजरंग दल के लिए काम करते हैं। आप सारे लोग अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, इनका लिंक भी शेयर कर देंगे इनके फेसबुक का, आप सारे लोग देख सकते हैं। दिखाइए इधर जी। एक मिनट रोकिए, और हिंदू शेर नामक एक ग्रुप है, यह जिसके एडमिन भी हैं, ठीक है। इसके बाद में जब इनका व्हाट्सअप देखा गया तो इनके व्हाट्सअप पे इन्होंने कुछ आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए थे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह वीडियो शेयर किए हैं और इस पे डैश 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 करके लिखा है, जितना दिखता है उससे ज़्यादा खतरनाक है शाहीन बाग। आप सारे लोग इसको देख सकते हैं, इतना बड़ा। उसके बाद हमने इन्होंने इनसे बात भी किया तो इन्होंने बोला कि अभी तो हमसे गलती हो गया और हमको हिंदू सेना और इन सब से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा ब्रेन बॉस ऐसा किया गया है, ये सब करने के लिए किया गया और हम इसके आगे भी योजना बना रहे थे जो फंडिंग को लेके, तो उसको फंड को हम कैसे यूज़ करते इसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इनका एक मित्र है डेविल करके जिसका नंबर सेव है, उससे ही ये सारी चैट हो रही थी, जो बंदा दिल्ली का है, ठीक है। इसके बाद में जब यह बंदा पता चलता तो ये 2 बंदे होते हैं, एक मनीष चौधरी है, ये दोनों हैं, वो ये हैं। आप सारे लोग इनके फोटो ले सकते हैं, ऊपर देखो सामने, नीचे बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। नाम बताइए। ये वो लोग हैं, हमने एक शाहीन बाग की तरफ से एक कंप्लेंट बनाई है जो कि अभी हम पुलिस को बुलाकर देने वाले हैं। आप ये कंप्लेंट भी देख सकते हैं। शाहीन बाग थाना प्रभारी के नाम से हमने कंप्लेंट दिया है और इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो भी आप देख सकते हैं। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम यहाँ पे आके इन सारी असंवैधानिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें हम संलिप्त पाए गए, जिसके बाद हमको यहाँ पे लेके आया गया। अच्छा, ये आप जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कबूला है कि फंडिंग? इन्होंने के व्हाट्सएप पे मैसेज है जो हमारे पास, उसका स्क्रीनशॉट है। क्या फंडिंग की बात का भी मैसेज है? हाँ, कि हमको कहीं से फंडिंग मिल रहा है, हम उस पर उसको कैसे यूज करने का, किस तरह सामने वाला जो बंदा है फंडिंग के लिए बस बोला, हमको 2 लाख रुपए फंड मिला है, ऐसा करके इन्होंने बोला है जी। खान साहब, इस पूरे मामले में किसी राजनीतिक अब वो फंडिंग वाला पहले मैसेज दिखा दीजिए। हाँ, फंडिंग वाला मैसेज भी दिखा, या अपना फ़ोन खोलिए भाई साहब, इन्हीं का फ़ोन है, आप अपना फ़ोन खोल के दे दीजिए। हमें 2 लाख रुपए का फंड मिला है, यहाँ इसे कैसे यूज़ करना है? अब ये फंड ये कहाँ यूज करते, किस तरीके से करते, शाहीन बाग में कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते हैं? आराम से ले लीजिए, सबको देंगे आराम से। सर वहीं रखते हैं। फंडिंग ये कहाँ यूज करते हैं? ये इनका अकाउंट है, ठीक है, क्या करता है? तो आप फोकस करिए, तो बाद में क्या कुछ पता चलेगा?
मैडम ये घबराए हुए हैं, तो हम इनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर, पूछताछ का काम हमारा नहीं है, पुलिस का है, और हम आशा करते हैं कि पुलिस ईमानदारी से इस सब की जांच करके इनके ऊपर मामला दर्ज करेगी। अगर आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई संगठन से? ये बजरंग दल से है और इनका जो हिंदू सेना जय श्री राम हिंदू सेना के एडमिन भी हैं ग्रुप पे, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली से या फिर कहीं और से? ये जो आईडी में इनका एड्रेस है वो तो बिहार का है, हम आपको आईडी भी शो कर देते हैं एक बंदे का। शक कैसे हुआ? सर कुछ वॉलंटियर्स को हुआ जब ये गाली गलौज कर रहे थे कुछ महिलाओं से, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ये लोग कौन हैं, तब लड़कों ने इनको जाके इनसे बात किया और जो भी संदिग्ध गतिविधि दिखी तो मंच के पीछे हमारे ऑफिस तक बात आई, तो हमने इनको सेफली यहाँ पे लेके आए गए। अभी हम आपके सामने ही पुलिस एडिशनल पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगा के इसकी जानकारी देंगे। आप दोनों का इस बारे में क्या कहना? बस भी हम खराब थे और हम कुछ नहीं कर रहे, फोटो वीडियो लिया, बस हम अपने बोले उनके साथ हम दूसरे से भी। ये जो फंडिंग की बात हुई थी इसके क्या मतलब था आपका? आपके क्या नियत थी जब आप यहाँ पे आए थे, क्या मन में? बस घूमने के लिए। बजरंग दल और हिंदू सेना से जुड़े हैं? आपको कितना पेड किया जा रहा था इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ नहीं, तो फिर किस लिए कर रहे थे आप? घूमने के लिए, घूमने के लिए आए थे और ये सारी जो डिटेल्स हैं, रुपए का फंड का है ये, इसका क्या मैटर है आप ये बताएंगे? ये इनका ग्रुप है, इन्होंने खुद लिखा है, इनके पास है, और इसमें जो ये टाइप कर रहे थे जो इनका रह गया है। एक्चुअली इसका मोबाइल है, इससे पूछिए, ये एक्चुअली चीज बताएंगे। ये दोनों मोबाइल है हमारे पास, ये भी हम पुलिस को सौंप देंगे। ये इनका मोबाइल है और ये उनका मोबाइल है, इन्होंने 2 लाख रुपए की हमारे पास। एक मिनट अभी थोड़ा सा, तो इनको ये हमने 2 लाख रुपए का फंड किया है, इसका यूज करना है, ये क्या है? ये मैसेज आपने लिखा, ये आपने भेजा इधर से, हम आपको देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताइए ना, एक बात है, आपको जो पकड़ा गया है यहाँ पे, कोई बदतमीजी नहीं होगी आपके साथ? नहीं, किसी ने मारा पीटा? हमने अपने खुद बोला कि उनके साथ हमको हम सभी ले चले। तो आपको डर या बुरा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आए जिससे आपका लेना? हम आए बस वो देखे, फोटो खिंचाए भारत माता पास, पर हम जा रहे थे। आप महिलाओं के साथ गाली गलौज की ऐसा भी कहा जा रहा है? किसी साथ नहीं कुछ निकालो, इन्होंने खाली वीडियो लिया, बस हम जा रहे थे, इनको कोई भाई लोग पकड़ के लाया, तो फिर हमने बोला कि हमको ले चले उनके साथ। हम ये इंडिविजुअल तीन लोग चार लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको जाकर के ये बाइट लेते थे। इंडिविजुअल लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनका जाकर के बाइट लेते थे। अभी हम ज्वाइंट कमिश्नर सर से बात कर रहे हैं इसके बारे में, इतने में एक बात कर लो, हम माइक भी ओपन कर दे रहे हैं, तो आप ये भी बताइए, पूछ लीजिए, सारे लोग चुप हो जाएंगे, साइलेंट प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर, दीपांशु साहू बात कर रहा हूँ सर। सर हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट में 2 संदिग्ध लोग पाए गए हैं सर, जिनको हमने सेफली अपने ऑफिस के पीछे रखा है, जो आपत्तिजनक वीडियो बना रहे थे, कुछ फंडिंग के मैसेज और ये सारी बात कर रहे थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की है, तो सर आप यहाँ पे किसी को भेजेंगे सर इनको ले जाने के लिए? ठीक है, मैं भी भेजता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, लड़के हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में है सर, इनके मोबाइल वगैरह सब कुछ सेफ है हमारे पास, हम पुलिस को सौंपना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक यू सर, शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।